वो लोग आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आ गई महिला सशक्तिकरण की एक और फिल्म जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भारूचा आतंकियों के चंगुल में फंस जाती है। पर ये होता कैसे कि भारत की रहने वाली लड़की हमेशा विदेशों में जाकर वो भी अकेली लड़की कहीं ना कहीं फंस जाती है, जिस तर्क लोगी अकेली लड़की का नाम देकर उसे मासूम बना देते हैं। पर हाल ही में लव जिहाद पर बनी द केरला स्टोरी आई थी, उसमें भी तीन लड़कियों को शिकार बनाया जाता है और वो भी ब्रेन वॉश करके, फिर उनका धर्मांतरण भी किया जाता है। और सीरिया जैसे खतरनाक देश इंडिया से गैर तरीके से भिजवाया भी जाता है। पर ये सब संभव होता कैसे, इस पर आप अपने ओपिनियन रखें, खास तौर पे माँ बाप जो मेरी इस वीडियो को देख रहे, क्योंकि हाल ही में नुसरत भारूचा की फिल्म अकेली का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें द केरला स्टोरी के जैसे दिखाया गया। पर अकेली फिल्म में नुसरत भारूचा को आउट ऑफ इंडिया के लिए एक जॉब ऑफर होती और अकेली लड़की जॉब करने के लिए विदेश चली भी जाती। पर ये मेरा ओपिनियन है कि क्या इन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते जो कि इराक जैसे देशों में जा रही अपनी बच्चियों को यूं ही जाने देते जैसे कि वो अपने मामा के घर जा रही हो। खैर जो भी हो, इस फिल्म में दोबारा महिलाओं को लेकर एक चिंतित सवाल खड़ा कर दिया है हर माँ बाप के लिए कि आप एक जिम्मेदार माता पिता बने, ना कि गैर माँ बाप। नहीं, मुझे इंडिया वापस जाना है, मेरा घर है वहाँ, मेरा परिवार है वहाँ, प्लीज प्लीज हेल्प मी। खैर ये तो फिल्म का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जो कि 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म अकेली जिसका नाम ही पड़ा है अकेली, क्योंकि इस फिल्म में नुसरत स्ट्रगल करती है, आतंकवादियों से लड़ती है और अपनी निजी जिंदगी को उनके हिसाब से फेस करवाती है। पर हिंदी सिनेमा में एक बदलाव देखने को मिला है कि महिलाओं को आगे लेकर आ रहे और धीरे धीरे सच को दिखाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि फिल्म एक ऐसी दुनिया है जहाँ से जुर्म भी पैदा होता है और सिंघम जैसे पुलिस ऑफिसर भी। तो इस फिल्म के लिए हम चाहेंगे इस वीडियो पर अकेली नुसरत भारूचा को 1000 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए और कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करना। और आपने हमारे चैनल मिस्ट्रीज इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।